असल फाइन नाव वी आर स्टार्टिंग विध आर न्यू एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज टू फ्राम चैप्टर दैप्टर इज सेट्स ओके आपकी बुक है बुक के पेज नंबर पेज नंबर थर्टीन से आपको क्वेश्चन नंबर वन कॉपी करना है एक्सरसाइज वन पॉइंट टू का एज़ जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक्स बताया कि आपको क्वेश्चन को, को, ब्लैक पॉइंटर से कॉपी करने हैं क्वेश्चन नंबर वन के आप फाइव पार्ट्स कॉपी करेंगे ठीक है और इसके बाद हम क्वेश्चन टू करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर नाइन करेंगे ठीक है इसके अलावा इस एक्सरसाइज से हमें और कोई भी क्वेश्चन नहीं करने ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ हम सेट्स की बात करेंगे तो सबसेट्स जो होते हैं वो आपके पास एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इमप्रॉपर सबसेट होता है तो प्रॉपर सबसेट वो सबसेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअल एलिमेंट्स से ज़्यादा हो ठीक है और इम प्रॉपर सबसेट वो होगा जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट एक्चुअल एलिमेंट सेम हो ठीक है बराबर हो दोनों यहाँ आप आपके पास कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं यहाँ आपको सबसे पहले तो ए से लेके एच तक के सेट्स गिवन है फिर आपको क्वेश्चन गिवन है वन टिल फाइव जिसमें से हम करेंगे जिसके हमने फाइव पार्ट्स करेंगे करने हैं तो सबसे पहले आपको कह रहे कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए तो आपने लिखना है ट्रू क्योंकि यहाँ आप देखें अगर तो जो बी के सेट्स हैं वो आ, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स से ज़्यादा है इसी तरह ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इट इज़ ऑल्सो ट्रू D इज़ द सबसेट ऑफ़ A तो यहाँ दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो यहाँ आपने लिख दिया फॉल्स ठीक है देन B इज़ द subset of ऑफ़ तो यहाँ आपको क्या लिखना है ट्रू आप कह रहे हैं बी इज़ द इम्प्रॉपर सेट ऑफ़ सी तो आप यहाँ देखेंगे कि जो बी है और सी है ठीक है दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम की सीक्वेंस अलग है तो आपने यहाँ क्या लिख दिया ट्रू सॉरी दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है ठीक है Uh, देखें अगर दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं तो आपने यहाँ क्या लिखा टू लिखा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स खुद भी सेम है ठीक है तो आपने क्या लिख दिया ट्रू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ थैंक यू स्टूडेंट्स